दोस्तों, मैं जितेंद्र टेकपॉम से बोल रहा हूँ। ये कूल पैड कूल वन फ़ोन का बॉक्स है जिसकी मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। ये फ़ोन दोस्तों इंडिया में लॉन्च होगा 28 दिसंबर को, और कंपनी ने मेरे को लॉन्च होने से पहले ये रिव्यू यूनिट भेजा है। इसमें कंपनी ने प्राइस को रिमूव कर दिया है, और ये मैं आपको बता पाऊँगा 28 को कि इस फ़ोन की प्राइस क्या है और ये कब से अवेलेबल होगा। अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूं और देखता हूं और आपको दिखाता हूं कि इस बॉक्स के अंदर आपको फ़ोन के अलावा क्या क्या मिलेगा। ये दोस्तों, मैंने अभी इसमें प्लास्टिक कवर इसका निकाल दिया है। जब आप इसको खोलेंगे तो आपको दोस्तों ये मिलेगा फ़ोन, ये भी रैप्ड है प्लास्टिक में। मैं अभी आपको खोल कर दिखाता हूँ। ये कुछ स्टिकर्स हैं, इसके मॉडल नंबर है, IMEI नंबर वगैरह है, और ये आपका पेपर वर्क है। ये कूल पैड का वारंटी कार्ड है, ये क्विक स्टार्ट गाइड है, और दोस्तों इसके अलावा आपको मिलेगा ये प्लास्टिक कवर है फ़ोन के लिए, और आपको दोस्तों मिलेगा ये USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, चार्जिंग केबल है, ये देखिए, और ये सिम इजेक्टर है, और ये सिम इजेक्टर है, और ये आपका पावर अडेप्टर है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको मिलेंगी। अब मैं दोस्तों फ़ोन को सेटअप कर लेता हूं और इसके फीचर्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। दोस्तों, अब मैंने इस फ़ोन को सेटअप कर लिया है। अब इसकी डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही इसमें रिफाइंड मेटल यूज़ किया गया है, और ये हल्का सा मैटेड भी लग रहा है, और ये देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल इसकी लुक दी गई है। जो दोस्तों इसका जो USP है वो है इसका डुअल कैमरा सेटअप। ये टू कैमरा के साथ आता है, यानी कि इसमें दो कैमरा लगे हुए हैं। 13 मेगापिक्सल का कैमरा है विथ f2.0 अपर्चर, और ये फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस 4K वीडियो कैपेबिलिटी के साथ आता है, और इसमें 720p स्लो मोशन की का फीचर भी है। डुअल टोन LED फ्लैश है, ये आप देख सकते हैं। और इसका दोस्तों जो फ्रंट कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का, और जो फ्रंट कैमरा है वो f2.2 अपर्चर और 80 डिग्री वाइड एंगल लेंस के साथ आता है। अब मैंने इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर भी सेट कर दिया है, और ये फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इसका बहुत फास्ट है। देखिए, अब मैंने इस फ़ोन को ऑन किया है तो ये मेरी जो फिंगर रजिस्टर की है उसके लिए ये प्रॉम्प्ट कर रहा है। तो जो दोस्तों जैसे ही मैंने इसको अपनी ये फिंगर लगाई तो ये फ़ोन चल पड़ा। ये देखिए, ये कैमरे की मैं बात कर रहा था, तो ये काफ़ी फीचर्स के साथ आता है। इसमें आपको स्लो वीडियो, लॉन्ग एक्सपोजर, पैनोरामा, जिफ के फीचर्स हैं, और इसमें आपको नाइट मोड भी मिलेगा, और ब्यूटी मोड भी है, और प्रोफेशनल मोड भी है। तो ये तो दोस्तों मैं अभी आपको चेक करके बताऊंगा कुछ दिनों में कि ये इसका कैमरा कैसे परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो इसके फीचर्स हैं, जो इसका डुअल कैमरा सेटअप है, मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही अच्छी तरह परफॉर्म करेगा, और मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये फ़ोन बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करेगा जहाँ तक इसके कैमरे की बात है। तो दोस्तों, अगर इसके स्क्रीन की बात करें और इसके और डिज़ाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे पावर बटन है, वॉल्यूम रॉकर्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे सिम स्लॉट दिया गया है। ये डुअल सिम के साथ आता है, इसमें आप नैनो प्लस नैनो सिम कार्ड लगा सकते हैं, और ये ऊपर इसके ये आपका ये जैक दिया गया है, ईयरफोन जैक का स्लॉट दिया गया है। नीचे USB टाइप पोर्ट है, और ये स्पीकर ग्रिल है। और तो देखने में तो दोस्तों मैं इसको फुल मार्क्स दूंगा। आप देखिए ये कितना सुंदर फ़ोन आपको लग रहा है। जहाँ तक दोस्तों इसके स्क्रीन की बात करें तो ये आता है 5.5 इंच की इसका डिस्प्ले है, 5.5 इंच, जो कि फुल HD डिस्प्ले है, और जिसकी रेजोल्यूशन है 1080x1920। और दोस्तों अगर बात करें इसके और फीचर्स की और इसके हार्डवेयर की, तो ये इस फ़ोन को चलाता है ऑक्टाकोर स्नैपड्रैगन 652 प्रोसेसर विद एड्रीनो 510 GPU,
और ये 4GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, जिसको कि आप फर्दर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से शायद एक वेरिएंट और भी लॉन्च किया जाए 3GB और 32GB का, लेकिन इसके बारे में मैं अभी श्योर नहीं हूँ। वो तो मैं आपको 28 को ही बता पाऊँगा कि इसमें और कौन से वेरिएंट आपके अवेलेबल हैं। और दोस्तों, जो इसमें जो बहुत ही जो महत्वपूर्ण जो इसका जो फीचर डाला गया है वो है इसकी 4000 mAh बैटरी विद फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। तो ये भी आपका पूरा दिन तो आपका चला ही देगी, एक दिन से ज़्यादा भी आपको ये खींच कर ले जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज। ये 4G LTE कंप्लाइंट फ़ोन है, वाईफाई और ब्लूटूथ को सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल दोस्तों, अगर आप मैं इसकी फर्स्ट लुक की बात करूं तो मेरे को तो ये फ़ोन बहुत ही अपीलिंग लग रहा है, और मेरे को नहीं लगता कि इस प्राइस रेंज में इसकी प्राइस क्या होगी, मैं तो अभी इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये बहुत ही प्रीमियम फ़ोन लुक रहा है। कुछ कुछ हद तक ये LG G5 भी लग रहा है मेरे को, जहाँ तक इसके डिज़ाइन की अगर बात करूँ पीछे से, और जो इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है। और बाकी दोस्तों, मैं आपको 28th को इसके बारे में बता पाऊंगा कि इसकी प्राइस क्या है, और इसका डिटेल्ड रिव्यू भी मैं शॉर्टली अपने वीडियो चैनल और techbomb.com पे डालूंगा, जो कि आप 28th के बाद उसको देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे वीडियो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे ब्लॉग को भी पढ़ सकते हैं, जिसका नाम है techbomb.com। और दोस्तों, मैं जाने से पहले बता दूँ कि ये फ़ोन है भी ज़्यादा हैवी नहीं है, और इसका टोटल वेट अप्रॉक्सीमेटली है 167 grams। थैंक यू वेरी मच। और हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि ये एंड्रॉयड मार्शमेलो पे चलता है, और इस पे इन्होंने अपना कूल पैड का अपना कस्टमाइज्ड EUI 5.6 इनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। और दोस्तों, एक बहुत ही ख़ास बात है कि ये कूल पैड है, ये इन्होंने कूल पैड और ली इको ने मिलकर इस फ़ोन को बनाया है, और क्योंकि कूल पैड के कुछ शेयर ली इको कंपनी ने ख़रीदे हैं। ली इको एक अपना ही बहुत बड़ा ब्रांड है, और अब मेरे को ये नहीं अभी तक कंफर्मेशन कि जो ली इको के अपने एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं वो क्या इस पे चलेंगे कि नहीं चलेंगे। इसके बारे में भी मैं आपको 28 दिसंबर को इसके बारे में कमेंट करूंगा, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा 28 को, और जिसके बारे में मैं और आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एंड बाय।